दो फर्जी डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रीवा के अमर लॉ से पुलिस प्रशासन के सहयोग से पकड़े। अब इनको पुलिस के हवाले करके जेल में भेजने की तैयारी में स्वास्थ्य विभाग। दो फर्जी डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रीवा के अमर लॉ से पुलिस प्रशासन के सहयोग से पकड़े। अब इनको पुलिस के हवाले करके जेल भेजने की तैयारी में जुट गया है स्वास्थ्य विभाग। हम आपको बता दें, रीवा के अमर लॉज में सतना से आए दो फर्जी डॉक्टर पकड़े गए हैं। इनके पास से हरी मटर, लाल मटर जैसी चीजें पाई गई हैं। साथ ही इनके पास से बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, मल्टी विटामिन की भी गोली पाई गई है। रीवा में काफी अरसे से स्वास्थ्य विभाग को शिकायत मिल रही थी, बाहर से कुछ लोग आते हैं और ऐसी दवाई लोगों को देते हैं जिनका कोई फायदा नहीं होता। ऐसे फर्जी डॉक्टर लोगों से मनचाहा पैसा वसूलते हैं, किसी से 500, किसी से 700, किसी से 1000 रुपए। जिस तरीके का मरीज उस तरीके का ये पैसा उनसे वसूल के उनको ऐसी दवाई देते जिनका कोई भी इस्तेमाल नहीं है स्वास्थ्य को लेकर। CMHO को आज ऐसी ही शिकायत मिली थी, जिसके चलते उन्होंने पुलिस विभाग और जिला प्रशासन की टीम के साथ अमर लॉज में छापा मारा। वहां से दो लोग पकड़े गए हैं जिनके पास से हरी मटर, लाल मटर जैसी चीजें भी मिली हैं, जिनका जीवन में दवाओं के रूप में कहीं भी कोई इस्तेमाल नहीं है। इन दोनों लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जा रहा है, वहां को जेल भेज दिया जाएगा। जिस तरीके से रीवा में स्वास्थ्य विभाग को काफी दिनों से खबरें मिल रही थी कि कुछ लोग बाहर से आते हैं, स्वास्थ्य को लेकर लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, काफी दिनों से शिकायत थी। आज CMHO की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन फर्जी डॉक्टरों को एक बड़ा संदेश दिया है जो इस तरीके का गलत काम कर रहे थे। साफ तौर से माना जा सकता है कि CMHO रीवा ने रीवा के तहसीलदार, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से ऐसी ही एक ठिकाने पर दबिश दी, जहां पर होटल को एक डिस्पेंसरी का रूप देकर वहां दो लोगों को फर्जी दवाइयां दिया करते थे और उनसे मनचाहे पैसे वसूला करते थे। इस तरह की बात को लेकर हमने लगातार समय समय पर खबर भी दिखाई थी और लोगों को आगाह भी दिया था कि ऐसे लोगों से सचेत रहें। साथ ही स्वास्थ्य विभाग से भी हमारी टीम ने कई बार इस बारे में बातचीत की थी कि रीवा में इस तरीके की काफ़ी शिकायतें। आज उसी शिकायत के चलते जब पुख्ता शिकायत हो गई तो एक टीम बनाई गई, वह टीम पहुंच गई सीधे अमर लॉज और उसने छापा मारा। छापे में दो लोग गिरफ्तार हुए, उनके पास से काफी सामान बरामद हुआ है। छापे के बाद हमने CMHO रीवा से बात की। आइए आपको सुनाते हैं फर्जी डॉक्टर पकड़ने के बाद उन्हें हमें क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। असल पर विश्वास सूत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे शहर में कुछ लोग बाहर से आके होटलों में रुक कर रूम लेकर दवा देते हैं, जो कि पूर्ण तरह से फर्जी हैं और गरीब लोगों को पकड़कर जबरदस्ती पैसा वसूलते हैं। इस संबंध में 2-3 होटलों में पता किया गया। अंतोगत्ता इस होटल में, अमर लॉज में, पता लगा दो लोग हैं जो सतना से आए हुए हैं, पुरुषोत्तम यादव, एक प्रतीक मिश्रा करके। ये लोग एक बैग में दवा लिए, हरी मटर, लाल मटर पाउडर, एक शुगर जांच करने की मशीन, एक बीपी मशीन, उल जलूल किसी से 700 रुपए, किसी से 500 रुपए इनके डायरी में लिखा, किसी से 1200 रुपए, इस तरह का पैसा ले रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अपने शहर में बिल्कुल पनाह देने की, आश्रय देने की ज़रूरत कतई नहीं है। इनके पास ना कोई डिग्री है, ना कोई दवा है, फालतू के लोग हैं, इसलिए इन पर छापा डाला गया, इनके ऊपर कार्रवाई की गई है, इनको ले जाके थाने में हैंडओवर किया जा रहा है, इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। शहर में अभी कुछ और ऐसे डॉक्टर हैं? शहर में बीच बीच में पता चलता रहता है, कुछ है लोग बाग, उनकी निगरानी की जा रही, पता किया जा रहा है, पता चलते ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जब्त इनके एक बैग भर दवाइयाँ हुई हैं जब्त, उसमें एक शुगर की मशीन है छोटी सी, एक ब्लड प्रेशर की मशीन है और तमाम बहुत सारी मटर है, लाल मटर, हरी। अब इनको पकड़ के थाने भेजा गया है और थाने से इनको जेल भेजा। एलोपैथिक दवाइयाँ बी कॉम्प्लेक्स वगैरह और विटामिन ई टैबलेट, इस तरह की सामान, विटामिन की टैबलेट एलोपैथी वाली बरामद हुई, अन्य तो दवाई एलोपैथी वाली बरामद नहीं हुई।